Hey guys, देखो हम गांव से आने के बाद कितने सारे काम है, सब मैं साड़ियाँ अपनी सजा रही हूँ, क्योंकि ये बैग हमने खाली करके गए थे, ये बैग में फिर से हम भर गए ये सारी साड़ियाँ, लेकिन मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। देखो एक से एक साड़ी है मेरे पास, ये सब का लहंगा साड़ी है। अब वो मुझे करने नहीं दे रहा है सब कुछ। क्यों तो सोच रहा, पता नहीं क्या मम्मी कर रही है, मम्मी भाग रही है क्या? साड़ियाँ कितनी सुंदर सुंदर है, बट तब सोच ये साड़ी ऐसी रखी रहती है और टाइम दिखते जा रहा है ना भाई। अभी मैंने एक दो बैग, वो बैग पूरा भर के, उसमें से ड्रेस है ये, इसमें से वेस्टर्न ड्रेस है, इसमें सिर्फ साड़ियाँ। बेचारे मेरे हस्बैंड और मेरे भाई के लिए बैग खाली नहीं होता, क्योंकि साड़ी में मेरे ही कपड़े रहते हैं। मुको क्या क्या मुको उठो मुको बैठ, मम्मा साड़ी पहनेगा तू बग। सब सब साड़ी है मेरी, सब शादी के टाइम का साड़ी है। सब सोचती हूँ सबका मैं ड्रेस सिलाना, सबको पहन नहीं पाती और तो सबको दे दूंगी। सिर्फ घूमने से नहीं होता है, नहीं घूमने के बाद जाने के टाइम भी ऐसा ही प्रॉब्लम था, सिर्फ इधर से इधर बैग खाली कर रही थी, और अभी आने के बाद भी सेम वही प्रॉब्लम है। सब सजा के मुझे अच्छे से रखना पड़ रहा है, अब मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं, सबसे अफसोस की बात यह है। मैं अकेले ही सब कर रही हूँ फटाफट। बुक बदमाशी कर रहा है बुगा? ये साड़ी बहुत अच्छी है, और ये साड़ी मेरे मेरी मेरे अपनी ननद छोटी ननद की शादी के टाइम लिया था मैंने। ये लहंगा साड़ी है, बहुत बहुत सुंदर है, ये मैंने सिर्फ दो टाइम पहना है, ये सब मैंने एक दो टाइम ही पहना है। शादी के टाइम, शादी जब हुआ था तभी पहनती थी, फिर मुंबई शिफ्ट हो गई तो छोड़ दी, वहाँ पे दीदी को पहना देती थी, वहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे मैं पहन के भी क्या करूँगी मैं। और ये साड़ी तो मेरी मम्मी अगर लेके आई थी मेरे लिए बाबू का छुट्टी के टाइम पर, सिल्क साड़ी है, बहुत बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ज़्यादा मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा भारी पड़ी, वॉश करने के बाद हल्का हो गया, सिल्क साड़ी कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, मीठी कलर क्या उस टाइप का ही है ना, ऑरेंज ना रेड ना कुछ। मम्मी तुमको घुमाने ले जाएगी ना, हमारी शादी तो हुई थी, लव मैरिज है, बट हमें खुद नहीं पता था कि हमारी शादी जिस दिन हुई उसी दिन होने वाली थी, ऐसी हमारी शादी नहीं है। हमें अपनी शादी में इतने अच्छे अच्छे मतलब कपड़े होते हैं, मैं ड्रेस में मेरी शादी नहीं पता है, शादी के टाइम बाद में वीडियो शूट करते, बाबू भी रो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी यार। देखो ये मेरी शादी की चुनरी है जो मैंने और रखा है, ये मेरे हस्बैंड का पसंद का था, पता है ये चुनरी उसने पसंद किया था, कैसा लगा आपको? ज़्यादा वर्क नहीं है और फैशन है, लेकिन उस टाइम यही अवेलेबल था तो यही हमने लिया। अब मुझे ये तो लगा रहता है, मुझे ये बहुत पसंद है, मतलब कितना भी महंगा हो लेकिन बूटा लगा रहना तो वो अलग ही लगता नहीं। ये मेरी शादी की चुनरी, देखो